गुड मॉर्निंग क्लास सेवन क्लास सेवन इन द लास्ट क्लास वी हैड कम्प्लीटेड टिल ओमिक हीटिंग एंड जूल हीटिंग एंड वी आर डूइंग द चैप्टर इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट्स ओके इट इज़ ऑन द बुक पेज नंबर टू नॉट टू ठीक है सो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करेंट जब भी हम किसी वायर से पास करवाते हैं तो वहाँ पर एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है जिसको कि हम बोलते हैं ओमिक हीटिंग और जूल हीटिंग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू देन अ पार्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इन टू द हीट एनर्जी मतलब कि अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू द हीट एंड हीट्स ऑफ द कंडक्टर वायर और ठीक है वायर को हीट कर देता है वो ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो बल्ब लेते हैं और एक नया बल्ब है और एक बल्ब जो आपने यूज़ करा हुआ है घर पर ठीक है जो आप यूज़ करते हैं ठीक है तो आप नोटिस करेंगे कि जो बल्ब इलेक्ट्रिकल सर्किट से यूज़ हो रही है और जो जलती है उसको अगर जलाने के पाँच मिनट बाद आप टच करेंगे ऑफ़ करके तो वो बल्ब गर्म होगी जबकि एक नई बल्ब जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप टच करेंगे तो वो गर्म नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बल्ब को इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जल रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण बल्ब में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है जिसके कारण की बल गर्म हो जाता है ठीक है सो आज हम आगे देखेंगे आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है आज ठीक है वॉट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज सो वॉट विल हैपन इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन रेफ्रिजरेटर टेलीविजन और अ हेयर ड्रायर ठीक है ये बोल रहा है यहाँ पे कि क्या होगा अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर देते हैं किसी अप्लायंस से जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया ठीक है उसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया टेलीविज़न या टीवी हो गया हेयर ड्रायर हो गया तो हमें पता है ना कि जब भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसी अप्लायंस से पास हो जाती है तो वो अप्लायंस बर्न हो जाता है ठीक है वो डैमेज हो जाता है अप्लायंस आपने देखा होगा कि बहुत बार हाई वोल्टेज होने के कारण या लो वोल्ट सडन लो वोल्टेज होने के कारण आपके घर में अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं जैसे कि फ्रिज ठीक है या फिर ट्यूबलाइट ठीक है ये इसलिए होता है क्योंकि एट अ सडन बहुत अमाउंट ऑफ करंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्स पासिंग थ्रू दम ठीक है तो हम देखेंगे कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं ठीक है तो टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस फ्रॉम गेटिंग डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव पैसेज ऑफ करेंट थ्रू देम वी यूज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़ अब ये बोल रहा है कि, कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से अगर बहुत ज़्यादा करेंट पास होती है तो वहाँ पर डैमेज हो जाता है तो इसीलिए इस चीज़ को बचाने के लिए हम एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है फ्यूज़ ओके okay? तो अब फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो फ्यूज क्या है फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस सेफ्टी डिवाइस है ये जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं ठीक है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्रॉम फ्लोइंग इन टू एनी अप्लाइंस और डिवाइस ठीक है अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो प्रिवेंट कर देता है किसी भी अप्लायंस या डिवाइस से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट का फ्लो ठीक है तो इसीलिए फ्यूज प्रिवेंट करता है किसी भी अप्लायंस का डैमेज हो जाना बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थ्रू दैम ठीक है सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन टू एनी अप्लायंस और डिवाइस इन योर हाउस एज इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट दस प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज ठीक है ये बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे बचाता है आप आपके घर के अप्लायस को तो वो क्या करता है कि वो सर्किट को कट ऑफ कर देता है अगर सर्किट से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही है जिसके कारण कि हमारे घर के अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं देन फ्यूज़ क्या करता है अगर हमने फ्यूज़ को यूज़ किया हुआ है अपने घर पे इलेक्ट्रिक सर्किट में तो फ्यूज़ क्या करेगा कि सर्किट को ब्रेक करके और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को वो रोक देगा उस अप्लायंस में ठीक है जिसके कारण कि अप्लायंस डैमेज नहीं होगा ओके सो इट इज़ अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ओके अब हम देखेंगे फ्यूज काम कैसे करता है ठीक है वर्किंग ऑफ अ फ्यूज ठीक है तो हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ठीक है अब मान लीजिए ये एक प्लग है जहां पर हमने फ्यूज को यूज किया है ठीक है तो फ्यूज के अंदर एक फ्यूज वायर प्रेजेंट होती है ठीक है फ्यूज के अंदर एक फ्यूज वायर प्रेजेंट होती है और ये फ्यूज की ग्रिप होती है जिसके थ्रू हम फ्यूज को लगाते हैं या निकालते हैं ठीक है यहाँ पर ये लाइव वायर है जो कि फ्यूज जो कि फ्यूज को सर्किट से कनेक्ट करती है ठीक है और यहाँ पर ये जो है ये पूरा ब्लॉक दिस इज अ फ्यूज़ होल्डर जिसके अंदर एक फ्यूज डाला हुआ है तो मोस्टली दिस इज द फ्यूज दिस इज़ द फ्यूज़ वायर दिस इज़ द फ्यूज़ होल्डर एंड दिस इज़ द फ्यूज़ ग्रिप ठीक है और ये जो लाइव वायर है वो इस पूरे फ्यूज़ को एक सर्किट से कनेक्ट कर रहा होता है ठीक है तो जैसे ही इस सर्किट के थ्रू एक्सेसिव करेंट पास हो रही होती है ये फ्यूज़ वायर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है जिसके कारण कि हमारी अप्लायस डैमेज होने से बच जाती है ठीक है तो ये यहाँ पर फ्यूज़ वायर टूट जाती है एक्सेसिव करंट के पास होने के कारण जिसके कारण कि सर्किट टूट जाता है ठीक है और सर्किट टूटने के कारण करंट का फ्लो रुक जाता है जिसके कारण की, कारण कि हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं ओके okay? सो so, अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के फ्यूज़ होते हैं ठीक है सो वी नो टू टाइप्स ऑफ फ्यूज़ बेसिकली ठीक है एक होती है कार्ट्रिज फ्यूज़ कार्ट्रिज फ्यूज़ क्या होती है इस टाइप की होती है कार्ट्रिज के शेप की होती है ठीक है इसके बीच में ये फ्यूज़ वायर दिख रहा है आपको ठीक है और एक होती है सेरामिक फ्यूज़ सेरामिक फ्यूज़ जो होती है वो नॉर्मली आपने घर में ऐसी लगी हुई देखी होगी ठीक है इसके ऊपर एक सेरामिक की कवरिंग होती है ठीक है ये कवरिंग ये प्रेजेंट होती है सो दिस इज अ सेरामिक फ्यूज दिस इज अ कार्टरिज फ्यूज़ ठीक है नाओ विल सी वॉट आर दिम what इज द symbol used फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ठीक है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायग्राम जब हम जब भी हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम स्टैंडर्ड सिम्बल्स यूज करते हैं बैटरी के लिए सेल के लिए कंडक्टिंग वायर के लिए स्विच के लिए बल्ब के लिए ओके okay? तो ऐसे ही हम फ्यूज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड सिंबल है जो कि इंटरनेशनली हर जगह यूज़ होता है तो ये सिंबल है फ्यूज़ के लिए अगर सर्किट में कहीं भी फ्यूज़ यूज़ की गई है देन यू हैव टू यूज़ दिस सिंबल इन द सर्किट ठीक है आपको ये सिंबल यूज़ करना है सर्किट में फ्यूज़ के लिए एंड फ्यूज़ आर कॉमनली फाउंड इनसाइड इलेक्ट्रिक प्लग्स ठीक है जो हमारे घर में हम प्लग डालते हैं ना ठीक है स्विच बोर्ड में तो वो जो प्लग होती है इसके अंदर ही यहाँ फ्यूज़ को प्लेस किया हुआ रहता है जिसके कारण अगर इस प्लग से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये फ्यूज़ की वायर अपने आप को ब्रेक करके यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर देती है जिसके कारण कि जिस अप्लायंस की ये प्लग है वो अप्लायंस डैमेज होने से बच जाएगा ओके So, fuse are commonly found inside the electric plugs of the appliances. Thikhe? Now, we will see what is the principle of an electric fuse. Kis principle per electric fuse kaam karta hai. Thikhe? So, here the electric fuse works on the principle of heating effects of current. अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क करता है वो प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू या फिर किसी वायर के थ्रू किसी चीज़ में एक्सेसिव किसी भी चीज़ में करंट पास हो रही होती है देन बिकॉज ऑफ द करंट द अप्लायंस द और द वायर हीट्स अप ठीक है किसी भी चीज़ में जब हम करंट किसी भी सर्किट में अगर हम करंट पास करवा रहे हैं तो उस सर्किट में जो कंडक्टिंग वायर होगा और जो अप्लायंसेस होंगे ठीक है दे हैव दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट जिस उनमें क्या होता है एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है करंट फ्लो के कारण ओके और इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काम करता है एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास और सेरामिक कार्ट्रिज अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होती है वो मेनली कंसिस्ट क्या होती है उसके अंदर थिन वायर कंसिस्ट होती है ठीक है उसके अंदर एक थिन वायर प्रेजेंट होती है जो कि मैंने आपको बताया था फ्यूज़ वायर के तौर पे ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ दिस इज द फ्यूज़ वायर जो अपने आप को ब्रेक करके जो अपने आप को ब्रेक करके यहाँ पर ब्रेक करके सर्किट को तोड़ देती है जिसके कारण कि फ्यूज हमारे अप्लायंसेस को बचा देते हैं ठीक है सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है यूजली प्लेस्ड इन अ ग्लास और सिरामिक कार्ट्रिज द वायर इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल दैट मीन्स ईजली वेन हीटेड अब ये वायर एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जो जल्दी मेल्ट हो जाता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ठीक है डिजाइंड इन सच अ वे दैट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट ठीक है इस वायर को हम फ्यूज के अंदर इसीलिए डालते हैं ताकि कि जब भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो फ्यूज हो, हो, से तो वो फ्यूज बना रहे मतलब कि वो फ्यूज सर्किट ब्रेक नहीं करे ठीक है लेकिन अगर एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इफ द अमाउंट ऑफ करंट एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट ठीक है लेकिन जब एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है उस फ्यूज से जो कि किसी अप्लायंस को डैमेज कर सकता है ठीक है तो फ्यूज़ क्या फ्यूज़ वायर क्या करती है फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है ओके सो इफ द अमाउंट ऑफ करंट एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट द हीटिंग इन द वायर कॉजिज इट्स टू मेल्ट मेल्ट ठीक है एंड द फ्यूज़ ब्लोज ठीक है अब क्या होती है फ्यूज फ्यूज़ जल जाती है ठीक है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो होने से द सर्किट ब्रेक्स जैसा कि फ्यूज़ वायर जैसे ही मेल्ट हो जाएगी सर्किट टूट जाएगा एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट ठीक है जिसके कारण जैसे ही फ्यूज़ वायर फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी तो उसके कारण सर्किट टूट जाएगा और अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट का पास होना बंद हो जाएगा ठीक है जिसके कारण कि हमारी अप्लायंस बच जाती है डैमेज होने से सो नाओ वी लर्न अबाउट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है सो लुक दे दिस इज अ नॉर्मल सर्किट जिसमें एक बैटरी है और एक इलेक्ट्रिकल जेनरेटर है जिसके कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर आर अटैच टू अ बल्ब एंड द बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द दिस इज बिकॉज ऑफ़ द फ्लो ऑफ द करेंट इन द सर्किट अब जब ये करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में देन दिस कॉम्पस विच इज प्लेस्ड नियर दिस सर्किट ठीक है इट्सटार्ट डिफ्लेक्टिंग ठीक है ये अपने नॉर्मल स्टेबल नॉर्थ साइड पोजिशन से डिफ्लेक्ट होने लगेगा ठीक है बार बार डिफ्लेक्शन शो करेगा ठीक है और हिलने लगेगा सो so, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ठीक है so, सो वी विल सी द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का क्या कनेक्शन है ये मैं अभी आपको बताऊंगी ठीक है तो पहले आप यहाँ देखिए ठीक है ये एक आयरन नेल है इस आयरन नेल के ऊपर हमने कंडक्टिंग वायर मतलब कि कॉपर वायर से ऐसे कॉयल्स बना दिए हैं ठीक है और इस कॉयल को हमने वापस कनेक्ट कर दिया है एक स्विच से ठीक है और एक बैटरी से तो आप देखेंगे कि सब जब ये स्विच को आप क्लोज कर देते मतलब जब ये स्विच ऑन पोजीशन में है देन दिस आयरन नेल दिस आयरन नेल बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर और द कोयल ऑफ द वायर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैगनेट दिस कॉल दिस आयरन नेल आफ्टर द पैसेज ऑफ द करंट करंट थ्रू दिस वायर ठीक है ये सर्किट के थ्रू जब करंट पास होगा और इस नेल के ऊपर जो कॉयल बने हैं इसके थ्रू से जैसे ही करंट पास होगा देन दिस नेल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट ओके एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ इलेक्ट्रो मैगनेट बिकॉज दिस दिस आयरन नेल इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट ठीक है इसके थ्रू इस क्वाइल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दैट इज वाई दिस नेल इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इज अलेक्ट्रो मैगनेट ओके सो आयरन नेल is इज electromagnet. ओके okay? अब सेम आप यहाँ पर देखिए ठीक है इसी चीज़ को यहाँ पर करके दिखाया गया है ठीक है लाइवली ठीक है ये बैटरी है इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स को हमने कॉपर वायर के थ्रू इस नेल के अराउंड क्वल कर दिया है और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया एक सर्किट बना दिया हमने ओके okay? सो so जैसे ही हम इस, इस नेल के ऊपर जो कॉइल्ड वायर हैं इसके दोनों एंड को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये एक सर्किट बना बन जाएगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस सर्किट से एंड बिकॉज ऑफ़ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सर्किट सो बिकॉज ऑफ़ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सर्किट दिस आयरन नील विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैगनेट ठीक है और इसने एक जो पिन है इलेक्ट्र यहाँ पर आयरन पिन उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है सो नाउ द आयरन नेल इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रो मैगनेट ठीक है मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर आपको करके पिक्चर में बताया गया है वो दिखाया है ठीक है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करेंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर विच हैज़ क्वाइल्ड अराउंड दिस आयरन नेल ठीक है यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर एंड द वायर हैज़ बिन क्वाइल्ड अराउंड दिस आयरन नेल एंड बिकॉज ऑफ द पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दिस आयरन नेल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द आयरन पिन ओके सो नाउ दिस आयरन नेल इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रो एंड दिस इज वॉट इलेक्ट्रो इज ट इज एन इलेक्ट्रो मैगनेट वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू अ क्वाइल ऑफ वायर वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पासड थ्रू अल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मेटल कोर ठीक है जब भी इलेक्ट्रिक करेंट पास होती है क्वायल ऑफ वायर से जो कि रैप्ड है एक मेटल कोर के अराउंड अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट ओके जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ऐसे वायर कॉयल ऑफ वायर से जो कि एक मेटल के अराउंड रैप्ड होती है तो एक वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सी बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है जिसके कारण कि दिस मैग्नेट दिस आयरन uh, कोर दिस आयरन कोर जिसके अराउंड हमने जो वायर है उसको कॉइल करके रखा हुआ है दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैगनेट एंड इट विल गेट इट्स टू पोल्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के जेनरेशन के कारण इस आयरन जो आयरन की कोर है और जो मेटल की कोर है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैगनेट और ये अपनी एक नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगी ओके एंड दिस इज वॉट वी कॉल अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक है सो नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट ठीक है इलेक्ट्रो मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम देखेंगे सो दिस इज अ मैग्नेट जिसमें एक मेटल रॉड है जिसके अराउंड हमने वायर को अप करके रखा है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ठीक है ये पूरे मेटल कोर और वायर के अराउंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ठीक है सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक मैग्नेट इलेक्ट्रो मैग्नेट दिस आयरन मेटल कोर विल बी इलेक्ट्रो मैगनेट सो इलेक्ट्रो मैगनेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा मैग्नेट है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती हैं ठीक है वो क्यों प्रोड्यूस होती हैं वो फ्लो ऑफ करंट के कारण प्रोड्यूस होती हैं ठीक है ठीके? इसका अपना इस अमेटल आयरन कोर का अपना कोई मैग्नेटिक पोल या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसमें ही मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए जनरेट होती हैं बिकॉज़ इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ठीक है द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स वेन द करंट इज टर्नड ऑफ अब ये बोल रहा है कि मैग जैसे ही करंट को हम टर्न ऑफ कर देंगे बंद कर देंगे जैसे ही हम करंट के फ्लो को ठीक है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म इस आयरन कोर का ख़त्म हो जाएगा ठीक है बिकॉज ये मैग्नेट ये जो आयरन कोर कोर है और मेटल जो कोर है दैट विल लूज इज लूज इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म ठीक है जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देंगे ठीक है इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूजअली कंसिस्ट ऑफ वायर व इंटू अ कोयल ओके सो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रो मैगनेट्स जो हैं वो यूजअली क्या होते हैं दे आर वायर वंड इंटू अ कोयल मतलब कि एक आयरन मेटल कोर जिसके अराउंड ऐसे वायर को अप किया जाता है और इसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो दिस आयरन मेटल कोर कोर ठीक है जिसके अराउंड हमने इस वायर को रैप्ट किया है दिस विल बी कॉल्ड अ इलेक्ट्रो मैगनेट ठीक है अब हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं ठीक है अ परमानेंट मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ मटेरियल दैट इज मैग्नेटाइज एंड क्रिएट्स इट्स ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अब ये बोल रहा है कि पर्मानेंट मैग्नेट जो होता है वो एक ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो कि उसके अंदर एक अपनी प्रॉपर्टी uh, होती है जिसके कारण कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ये इस मेटल के खुद की प्रॉपर्टी है जिसके कारण दिस दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ साउथ एंड अ नॉर्थ पोल ओके एंड इट विल हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट okay because this is a permanent magnet, okay and this was an electromagnet. So, in an everyday example is a refrigerator magnet used to hold notes on a refrigerator door. ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि uh, magnets जो होते हैं, they are different from electromagnets. और magnets को हम permanent magnets को हम घर में बहुत तरीके से use करते हैं. ठीक है लाउड स्पीकर में मैग्नेट्स यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर के डोर्स में मैग्नेट यूज होते हैं फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो आप उसके डोर्स पे आप जो स्टिकर्स चिपका रहे होते हो वो स्टिकर्स रेफ्रिजरेटर के डोर पे इसलिए चिपक रहे होते हैं बिकॉज उसके अंदर मैग्नेट प्रजेंट होता है एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट मैगनेट बिकॉज वो जो हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बट एक इलेक्ट्रो जो होता है अनटिल आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएंगे इट विल नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पैसेज विल स्टॉप इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैगनेट सो एन इलेक्ट्रो मैगनेट इज बिहेव्स लाइक अ मैगनेट जस्ट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट ठीक है और पैसेज ऑफ करेंट थ्रू इट सो दीज आर द फ्यू डिवाइस विच यूज मैगनेट्स एंड इलेक्ट्रो मैगनेट्स सो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मैगनेट्स के अंडर हम देखेंगे अभी इलेक्ट्रिक मैगनीट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या डिवाइस है जिसके अंदर हम मैगनेट्स या इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूज करते हैं ठीक है मैगनीट्स वो जो कि नॉर्म नेचुरली किसी भी मैगनीटिक मटीरियल को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो जिनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करवाते हैं देन दे विल स्टार्ट बिहेव लाइक अ मैगनेट ओके सो फ्यू डिज विच यूज मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेलीफोन घर पे जो हम टेलीफोन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स मोटर्स क्या जो हम पानी खींचने के लिए मोटर्स यूज करते हैं दोज मोटर्स कार में जो मोटर्स यूज होते हैं दोज मोटर्स ठीक है इन रिलेज रिलेज क्या होती है अब आपको कैसे बताना है ठीक है रिलेज हो इलेक्ट्रिकली मैनेज स्विच हो स्विच होते हैं ये सारे जो कि इनिशियली uh, पहले कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे ठीक है इनिशियली जब कंप्यूटर्स बने थे तो उनमें ये सारे रिले स्विच यूज़ होते थे ठीक है फिर लाउड स्पीकर में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रो मैगनेट्स इलेक्ट्रिक बेल्ट में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक मैगनेट्स ओके वर्किंग ऑफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल अब हम देखेंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बेल लगा होता है वो स्विच दबाने पर आवाज़ कर रहा होता है तो ये कैसे होता है ठीक है क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूज होते हैं और मैगनेट्स यूज होते हैं तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रिक बेल ओके सो यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसके अंदर के डिवाइस की एक पिक्चर डाली है ठीक है तो इसमें होता है एक गॉन्ग गोंग के जिसके अंदर ये ये जो अंदर बेल लगी होती है ये आवाज़ करती है इस गोंग पे मार के ठीक है एंड दैट इज़ द साउंड वी हियर लाइक बेल की आवाज़ ये होती है ठीक है जब भी ये बॉल इस गॉन्ग को बीट कर रहा होता है तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ होती है ठीक है फिर यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक बैटरी होती है एक स्विच होती है और एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप होती है जो इलेक्ट्रिक मै, इलेक्ट्रो मैगनेट के जस्ट सामने लगी होती है ठीक है ठीक इलेक्ट्रो मैगनेट्स के सामने ठीक है एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप ठीक है तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट हो गई और करंट पास होनी स्टार्ट हो गई इस सर्किट से ठीक है तो जैसे ही सर्किट से करंट पास हुई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हमने यहाँ पर दो यूज किए थे बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ये जो बीच में कॉयल जिसके अराउंड रैप्ड है वो जो बीच में मेटल है ओके दैट मेटल कोर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप जो कि इसके सामने है बिकॉज ऑफ़ द एट्रैक्शन ऑफ द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप ठीक है ये जो बॉल है ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा इलेक्ट्रो मैगनेट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा जिसके कारण ये बॉल गोंग पे एक साउंड बजाएगी ठीक है एंड दिस इज हाउ अ इलेक्ट्रिक बेल वर्कस ठीक है बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सर्किट दीज इलेक्ट्रो मैगनेट्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप जस्ट In front of them, and the ball attached to the soft iron strip will produce a sound uh, gong ke upper, marker. Hai? And this is the working of an electric bell.